हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक में। काम के नाम पर करंट क्यों लगता है? आज हम ये सवाल यूपी के उन 15 लाख बिजली कर्मचारियों से पूछेंगे जिन्होंने दो दिनों तक यूपी की 20 करोड़ जनता को बंधक बनाकर रखा। एबीपी न्यूज यूपी के उजाले के लिए लड़ेगा और आपको बताएगा कि यूपी में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण का विरोध करने वालों की असली मंशा क्या है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सरकार ने, अब खबर ये आई है कि निजीकरण के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि निजीकरण से आम जनता का नुकसान है या फिर फायदा? यही है आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी और मुहिम भी। देखिए, लाइट नहीं है और अंधेरे में काम कर रहे हैं। मोमबत्ती से सबसे ज्यादा दिक्कत तो लाइट के ना आने से पानी की हो रही है। हम लोग इतना परेशान है, हम लोग को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। बच्चों की पढ़ाई भी नहीं ठीक से हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तो ऑनलाइन क्लास हो रही है और मोबाइल चार्ज भी नहीं है। लाइट ना आने की वजह से हम कस्टमर हमारे आ नहीं पा रहे हैं, सामान नहीं बेच पा रहे हैं ठीक से। इंकलाब जिंदाबाद, 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 मांग मांग में आगर बगावत, हम सब बाकी हैं। यूपी में अंधेरा घना है। मिर्जापुर की ये तस्वीर देखिए। अस्पताल है, बेड है, मरीज है और एक टिमटिमाती मोमबत्ती। इस मोमबत्ती की रोशनी में हो रहा है मरीजों का इलाज। मोमबत्ती भी कब तक चलेगी, इसलिए यहां एक मरीज का ब्लड प्रेशर लेने के लिए मोबाइल की लाइट जला दी गई। मरीज भी अंधेरे में है, डॉक्टर भी अंधेरे में, क्योंकि ट्रांसफार्मर जल चुका है और उसे ठीक करने वाले बिजली कर्मचारी हड़ताल पर है। देखिए, निजीकरण का ये है कि हम निजीकरण को नहीं होने देंगे, प्राइवेट कंपनियों को नहीं देंगे अपना ये बिजली घर वगैरह ये सारे हैं। तो हम इसीलिए सब लोग बैठे हुए हैं कि ये निजीकरण रुक जाए। हम निजीकरण के पक्ष में नहीं है, क्योंकि निजीकरण से सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ कोई फायदा नहीं है। निजीकरण किसी भी तरीके से कारगर है ही नहीं। पब्लिक कितने दृष्टिकोण से देखें, कर्मचारी के दृष्टिकोण से देखें, आम जनता के दृष्टिकोण से, या जो नई पीढ़ी हमारी युवा आ रहे हैं उनको रोजगार देने की दृष्टि से देखें, हर जगह निजीकरण फ्लॉप एंड फ्लॉप साबित हुआ है। निजीकरण के नाम पर काम से भागने वाले इन बिजली कर्मचारियों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? यूपी के दर्जन भर से ज्यादा शहरों को अंधेरे में धकेलने की जवाबदेही किसकी है? बिना लाइट के रहे, सो नहीं पाए, जागते रह गए, सुबह पानी नहीं मिल रहा है, नहाए नहीं है, बस ऐसे मुंह धो धो के आ गए। सर, खाना दिन भर कैसे खाएंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़ा परेशानी है सर। निस्तारजनक है, खराब है और कल सुबह से लाइट गई है, लाइट अभी तक नहीं आई है और लोग पानी के लिए तरह तरह ही है, समझ रहे हो? सारा दिन लोग, सारी रात लोग गलियों में रहे हैं, बच्चे सारे लोग परेशान हैं। पावर हाउस वाले बोले हम क्या करें, बोल रहे हैं कि जो भी स्थिति होगी जो है ऊपर से ऑर्डर है, जो भी कुछ बताते ही नहीं कोई। देखिए, सरकार और सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई में आम जनता पीसी जा रही है, तो बिजली और पानी लोगों को मिल नहीं पाया, आम आदमी के घर में पीने के पानी तक नहीं है, व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे वो पढ़ाई प्रभावित हो गई है, तो इस पर प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए कि इसको सुचारू रूप से बहाल किया जाए। इस लड़ाई की जड़ है यूपी के एक विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में बिजली सप्लाई के लिए 5 वितरण कंपनियां हैं। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, जो 21 जिलों में बिजली उपलब्ध कराता है, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, राजधानी लखनऊ समेत 19 जिलों में बिजली सप्लाई करता है, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से 14 जिलों को बिजली मिलती है,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम 21 जिलों को कवर करता है और कानपुर के लिए कैस्को यानी कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। बिजली विभाग ने इनमें से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के विरोध में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पूरे यूपी में बिजली सप्लाई के लिए जिम्मेदार सरकारी कंपनी के कर्मचारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। कहा गया कि अभी पूर्वांचल के निगम के निजीकरण की बात हो रही है, इसी तरह कल बाकी निगमों का भी निजीकरण हो जाएगा। ये सरकार ऐसी, इनकी नीति इतनी खराब है, नियत इतनी खराब है कि ये पूरी जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। बस इन्हें अपनी सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। हमें निजीकरण किसी सूरत में नहीं लेना है और निजीकरण के विरुद्ध अपना ये कार्य बहिष्कार अंतिम समय तक करते रहेंगे। सरकार जाएगी या फिर हम जाएंगे। निजीकरण को लेकर इन कर्मचारियों का डर और निजीकरण के फायदे नुकसान की बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि मौजूदा सरकारी व्यवस्था में यूपी में बिजली की हालत क्या है। साल 2018-19 में यूपी में बिजली की कुल मांग थी 121,253 मेगावाट। उत्पादन कम हुआ 115,369 मेगावाट, यानी कुल मांग से 5,884 मेगावाट कम। इसका मतलब यह हुआ कि यूपी की 5 सरकारी बिजली वितरण कंपनियां मिलकर 20 करोड़ की आबादी की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, यूपी की ये कंपनियां हर साल करीब 20% बिजली बर्बाद करती हैं। यही वजह है कि साल दर साल यूपी की ये बिजली वितरण कंपनियां घाटे में चल रही हैं। 2016-17 में इन कंपनियों को 3,322 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2017-18 में 5,002 करोड़ रुपए और 2018-19 में यह नुकसान बढ़कर 6,032 करोड़ हो गया। यानी पिछले 3 साल में ये कंपनियां 14,356 करोड़ का घाटा उठा चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि बिना निजीकरण के भी इन सरकारी वितरण कंपनियों की हालत अच्छी नहीं है। फिर भी विरोध है तो उसकी वजह है जवाबदेही और जिम्मेदारी से बचना। जाहिर सी बात है कि अगर दिल्ली और मुंबई की तरह यूपी की बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण होगा तो काम को लेकर कर्मचारियों का लचर रवैया नहीं चलेगा। यही वो डर है जिसके कारण 2 दिनों तक यूपी की जनता को करंट लगाया है।